लॉकडाउन के कारण नौकरी छूट जाने पर बड़ी संख्या में मजदूर दिल्ली छोड़कर अपने घर वापस आ गए थे। लेकिन अब जबकि दिल्ली में हालात सुधरने के बाद बिहार समेत अन्य प्रदेशों के मजदूर वापस लौटने लगे हैं, इसी क्रम में कटिहार के बरारी प्रखंड के 65 मजदूर कंपनी के द्वारा भेजे गए बसों से दिल्ली की ओर रवाना हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश मथुरा के समीप यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर मजदूरों की बस को एक अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें कटिहार के 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मथुरा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुछ मजदूर हैं जो बांध पे बसे हुए हैं और वो मतलब अभी कोरोना में जो है यहाँ कोई मजदूरी नहीं मिलने के कारण वो अब मतलब जो है बाहर कमाने के लिए जा रहा था। जाने के क्रम में ही मथुरा के पास बस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई और वो नहायत ही गरीब है और बांध पे बसे हुए हैं, जिनको यहाँ रहने में खाने पीने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। सरकार की तरफ से कोई जमीन भी उनको मुहैया नहीं कराया गया है कि वो जाके वहाँ पे बसे। वही दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और साथ ही गांव में मातमी सन्नाटा भी फैल गया। बताया जा रहा है कि सभी मृतक बेहद गरीब परिवार से थे। ग्रामीणों ने भी सरकार से मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये महज ढकोसला ही साबित हुआ। घटना ये हुआ कि हम लोगों को वहाँ से फ़ोन आया और खबर आया, वीडियो कॉलिंग भी है उसमें, कि गाड़ी वहाँ पे आगरा के आसपास सुबह रुकी हुई थी 4-5 बजे सुबह में। और जब सभी चाय पी रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ नीचे उतरे हुए थे, अचानक भयानक से उधर से हवा आई और पीछे से ठोक दिया गया, यही खबर हम लोगों को मिली है। कटिहार से बंटी प्रसाद के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live India।